हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीएसएसबी के लिए कंप्यूटर के सेक्शन में जो आएंगे क्वेश्चन उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है चैनल पे एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैं कंप्यूटर की वीडियो बनाता हूँ। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं कहीं के भी वो पेपर उठा के लाता हूँ, उसमें क्या नाम है वहाँ पे वो सॉल्यूशन करवाता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट ब्राउजर टू एक्टिवेट ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब इन क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी अन्य ब्राउजर में। ठीक है, वैसे ज़्यादातर क्रोम ब्राउजर ही लेते हैं। ठीक है, आप क्रोम ब्राउजर में भी करके ट्राई कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है सपोज मैं इस वाले अब मैं है ना यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स में फिलहाल में। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं इस वाले कर्सर पे आ गया, इस वाले टैब पे आ गया, सेकंड वाले पे। ठीक है, मान लेते मैंने मोजिला की ही वेबसाइट खोल ली, यहाँ पे मैंने खोल ली सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट। ठीक है, अभी मैं बीच वाले पे हूँ। अगर मान लेते कोई कहता है मुझे लेफ्ट के लिए यानी कि इधर इधर के लिए जाऊंगा तो कंट्रोल पेज अप करूंगा, इधर के लिए जाऊंगा तो कंट्रोल पेज डाउन करूँगा। सपोज अगर मैंने करा यहाँ पे देखो अभी सेकंड पे हूँ तो फर्स्ट पे आ जाऊंगा, कंट्रोल पेज अप करा मैंने तो मैं फर्स्ट पे आ गया। मुझे थर्ड पे आना है तो मैं कंट्रोल पेज डाउन और मैं यहाँ पे आ गया थर्ड वाले टैब। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप मेरे हिसाब से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि भैया इवन और ऑड का है, एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला है यहाँ पे इवन और ऑड। देखो इवन और ऑड यहाँ पे आपको पता है इवन तीन तो होता नहीं है, इवन इवन कौन से होते हैं, दो चार छः आठ ऐसे नंबर इवन होते हैं। तो जब भी हम इवन में थ्री लिखेंगे, एमएस एक्सेल में इवन में थ्री लिखेंगे तो एक आगे वाला नंबर बता देगा। अगर वही नंबर मान लेते चार होता तो चार का चार रह जाता, लेकिन ये तीन है तो तीन का मतलब क्या हो गया भैया, इवन कौन सा, जो आने वाला इवन है वो चार है। सेम ऐसे ऑड वाले केस में भी है, जो ऑड है जो आने वाला ऑड है वो नो है। ठीक है, आठ इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो है। अगर मान लेते नो ही होता तो यहाँ पे नो का नो ही आ जाता। देख लेते हैं यहाँ पे आंसर वैसे 13 है। ठीक है, आपको सम करके दिख रहा होगा, फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। मैंने क्या करा यहाँ पे इक्वल इवन ईवी ई एन ब्रैकेटों पर मैंने तीन लिखा, तीन के क्या कर देगा चार कर देगा। ठीक है, इसी में हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। हमने क्या करा भैया इवन सॉरी ऑड ब्रैकेट ओपन यहाँ पे कर दिया आठ, आठ को क्या बना देगा, आठ को नौ बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भैया क्या हो गया, ये हो गया 13 जमा में सॉरी नौ जमा में चार। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा ये वाला। अब उसके बाद आता है कंसिडर ए फार्मूला। मान लेते हैं कि एमएस एक्सेल में ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, वो A1 सेल में है, अगर आप उस सेल को कॉपी करेंगे तो वो D4 में आ गया, तो D4 में जो वैल्यू होगी जो ये होगा चेंज हो जाएगी। मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे, देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है भैया, A1 सेल में है, हम A1 में लिखा है इक्वल B2 यानी कि ये वाला जमा में चार। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या है, मैंने क्लिक करा, देखो जैसे ही मैं इस अगर फॉर्मूले को कॉपी करूँगा, मान लेते मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ रखा, तो जितने डब्बे ये फार्मूला यहाँ पे तय करेगा उतना ही ये वाला डब्बा तय करेगा। सपोज अगर मैं इसे एक डब्बा नीचे लेके जाऊँ नीचे की ओर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा A2 सेल में, तो भैया ये वाला डब्बा भी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ठीक है, मान लेते अगर मैं इस सेल को यहाँ पे लेके आऊँ तो मुझे ये देखना है कितने कॉलम और कितने रो ये खिसका है। भैया अगर हम कॉलम की बात करें, एक दो तीन, तीन कॉलम खिसका और यहाँ से कितने हो, एक दो तीन चार, मान ले चार कॉलम ही खिसका है, तो भैया ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसमें सवाल क्या है, उसमें सवाल है कौन से सेल में हमें इसे कॉपी करना है, ये देख लेते हैं। हमें जो सेल करना है D4 में, तो देख लेते हैं भैया, हमने यहाँ से कॉपी करा कंट्रोल सी और D4 में हमने इसे पेस्ट कर दिया। D4 में क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा E5। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, देखो आप इसे ना आसानी से याद भी कर सकते हो। जैसे अगर ये चीज़ इसके यहाँ थी, आप एक टेबल बना लेना छोटी सी, ये चीज़ इसके डायगनल में थी यहाँ पे। ठीक है, इस वाले सेल में, इससे इसमें थी, तो जैसे हम इसे इसमें लेके आएंगे ना उसमें भी यहाँ पे आएगा। तो D4 का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या था, बी में क्या था, ए से अगला वाला और प्लस में A1 से B2 हो गया, तो यहाँ पे D4 से D5 हो गया। मान लेते मैं इसे यहाँ पे लेके आता E9 पे, तो E9 से क्या होता भैया, E में एक जमा हो जाता तो F हो जाता, और F9 में एक जमा हो जाता तो 10 हो जाता, तो F10 यहाँ पे आंसर हो जाता जी। मान लेते अगर मैं तीन चार के अंदर होता, मान लेते यहाँ पे ये होता, तो भैया कहाँ से आपको ये देखना है कि भैया यहाँ से मान लेते A2 से कहाँ पे गया, ये C3 में है, तो अब मुझे पता चला है दो इसमें जमा करने हैं, दो इसमें जमा करने हैं। मान लेते इस फॉर्मूले को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, तो भैया यहाँ से दो जमा करो, एक और दो एच पे आ गया, और ये कौन सा 6 नंबर है, 6 नंबर में दो जमा कर दो तो 8, तो भैया ये हो गया हमारा H8 पे। ठीक है, तो ऐसे एक आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, क्या खोल दिया मैंने, ये मुझे खोलना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगला सवाल हमारा। ठीक है, MS Excel द जूम ऑप्शन अपीयर। ठीक है, जूम ऑप्शन कौन से उस पर अपीयर होता है, जूम होता है स्टेटस बार पे, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सबसे ऊपर वाला टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, फार्मूला बार, यहाँ पे नेम बॉक्स, इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद ये हो गया हमारा स्टेटस बार वगैरह की, जहाँ पे हमारा जूम वगैरह आता है। अगर हम जूम की बात करें, जूम जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 400%, और जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 10%। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैं इसे जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे ठीक है पूरा ये
हो गया 400%। अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड में होता है 500 और 10, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर हम इसमें से क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एज अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ कमांड ग्रुप विद द होम मेन्यू इन रीसेंट वर्जन ऑफ एम एस वर्ड सच एज 2016, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये मुझसे अब क्या पूछ रहा है, देख सकते हैं। देखो आपको ना ये जो ऑप्शन छोटे दिख रहे होंगे शायद, तो आप थोड़ा सा जूम कर लेना यहाँ पे। ये जो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड में क्या क्या है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। अब वो पूछ रहा है बुलेट, बुलेट होती क्या है, बुलेट होती है ये, बुलेट करती क्या है, बुलेट करती है मान लेते पॉइंट में कोई मुझे आंसर लिखने, मान लेते मैं ये दे मैंने एंटर, तो ये हो गया पॉइंट में आंसर। अब ये किस कमांड ग्रुप के अंतर्गत है, तो यहाँ पे भैया पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर क्या क्या शॉर्ट है, शॉर्ट से क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है। मान लेते कोई चीज़ है, मैंने नाम लिखे मोहित सोहित रोहित, तो जैसे मैंने सिलेक्ट करके तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए मल्टी लेवल बुलेट हो जाती है, अलाइनमेंट की शॉर्टकट की मैंने आपको बता रखी है, कमेंट करके बता देना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर है पैराग्राफ का। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब दोनों स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ पेज इज लार्जर देन इट्स विड्थ। जब पेज की ओरिएंटेशन हम कर देते हैं लैंडस्केप में, तो उसकी जो हाइट होती है वो बड़ी होती है, नहीं गलत है, कैसे गलत है देख रहे थे हमने इसे डिलीट। ओरिएंटेशन में हमारे डिज़ाइन में यहाँ पे नहीं, डिज़ाइन में नहीं, लेआउट में है ओरिएंटेशन, और यहाँ पे आ गए लैंडस्केप, ठीक है। हमने इसे छोटा करा, देखो अब ये क्या कह रहा है, अभी जो पहले स्टेटमेंट है भैया, अब हमने इसे लैंडस्केप कर दिया, अब ये कह रहा है इसकी हाइट बड़ी है मुकाबले विथ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम पेज को टिल्ट करते हैं तो उसकी हाइट छोटी हो जाती है और जो विथ है वो चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। उसके बाद अगला सवाल अगली और क्या देखते हैं, इन पोर्ट्रेट सेम, इनने इसका पॉजिटिव बोल दिया, जब भैया पेज को हम वापस पोर्ट्रेट कर देते हैं जो उसकी विथ है वो बड़ी हो जाती है पर विथ छोटी हो जाती है, देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन करते हैं, अब आप इसकी विथ देखो, विथ होगी इसकी आधी के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। विथ इतनी है, चौड़ाई और लंबाई कितनी है इतनी है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है इन एम एस एक्सेल, कंट्रोल के। कंट्रोल के क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, अगर हमें किसी भी फाइल को किसी भी फाइल में लिंक कराना है तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। कोई भी मतलब तरीके की फाइल लिंकिंग को हम हाइपरलिंक कहेंगे। उसके बाद आता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस इज एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। एड्रेस उन्होंने लिखे रखा है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे एड्रेस होती है कि जब वो आईपी हम लिखते हैं तो आईपी में जो मतलब जो लिखी होती है वो किस फॉर्मेट में लिखी होती है। अगर मैं आपको एक आईपी बताऊँ, आईपी कैसे होती है, आईपी 192 उसके बाद 168 उसके बाद 0 उसके बाद डॉट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारा, ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट आ गया, तो यानी कि डॉटेड नोटेशन की बात कर रहा है, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। उसके बाद हम आते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, वाइल प्रिंटिंग एन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपी टू बी प्रिंट, ठीक है। हम प्रिंट के दौरान उसमें नंबर ऑफ कॉपी सेट कर सकते हैं, मुझे एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए, लेकिन वो पूछा बाय डिफॉल्ट यू विल, मतलब कितनी कॉपी आप वहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कितनी कॉपी देखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वन ही होता है हर जगह, ठीक है। कंट्रोल पी करके देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉपी यहाँ पे वन का ऑप्शन है, ठीक है, मतलब पहले से ही आ रहा है वन, बाय डिफॉल्ट उसे हम कहेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं अपनी 3 से 4 वीडियो में बता चुका हूँ, ये आप ही मुझे बताओगे कि क्या मतलब कैसे इसका आंसर POP है। मैंने आपको पूरा डायग्राम करके भी समझाया था, उसके बाद भी समझाया है, ठीक है। इसमें तीन होते हैं, SMTP होता है, SMTP फिर POP भी होता है, POP के बाद फिर IMAP भी होता है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताना ये वाला आंसर कि क्या क्या होता है इसका, SMTP SMTP से जाता है फिर वो POP में, ऐसे करके मतलब क्या प्रोसेस है इसका, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो उम्मीद है यार सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रह गया हो कुछ पूछना हो बताना हो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।